हाय हेलो एंड वेलकम वन मोर टाइम टू बॉलीवुड हैंगओवर। मैं हूं नितिन आपके साथ, टेक थ्री लेकर आ गया हूं। सबसे पहले यहां पे एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम तो ऐसा वाला है लेकिन देख के आप बोलेंगे। इसके बाद एक फिल्म जिसमें आपको डराने की कोशिश की गई है लेकिन डर क्या होता है, कुछ ऐसा होगा। एंड देन फाइनली यहां पे आपको मैं बताने वाला हूं बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट्स के बारे में, राइट हियर राइट नाउ इन दिस वेरी स्पेशल बेजी वॉइस ऑफ माइन। गला खराब है। टेक वन। फिल्म का नाम है ग्रैंड मस्ती, जिसको देखने आप जाएंगे शायद ऐसे, और जब निकलेंगे तो कुछ ऐसे हालात में होंगे। फिल्म में अमर है, प्रेम है, मीत है। बात कर रहा हूं रितेश, आफताब और विवेक ओब्रॉय की। तीन पत्नियां हैं तीनों की, उसके अलावा ये तीन गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। वाओ, सो इनोवेटिव, ऐसा हमने पहले कुछ देखा ही नहीं है यार। एक कॉलेज रियूनियन में जाके कायनात अरोड़ा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ब्रूना अब्दुल्ला, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मरियम जकारिया, इनके चक्करों में पड़ जाते हैं। बस फिर सारी कहानी खराब। ऐसे ऐसे जोक्स हैं जिन्हें सुन के आपका मन करेगा तेरी मतलब यार व्हाट इज दिस, नॉट डन, जूता कहाँ गया। देखो बहुत बहुत दुखद टाइप की बात है कि शुरुआत में लगेगा हाँ यार कुछ गंदे वाले जोक्स मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में सब टाई टाई फिश। टॉकिंग अबाउट दी एक्टिंग, रितेश देशमुख, मैंने पहले दिन से कहा था ये एक आदमी है जिसकी वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। विवेक ओबरॉय क्यों ले लेते हो भाई, एंड वो दूसरा वो आफताब शिवदसानी थोड़ा ठीक ठाक काम किया है उसने, बाकी वो तीन महिलाएं वे मतलब वो पत्नियों को लिया हुआ है। एंड ये जो तीनों बाकी जो दिखा रही हैं एक्टिंग टैलेंट तो नहीं, बाकी सब कुछ। तो ऑल इन ऑल अगर वीकेंड पे कुछ नहीं है करने के लिए, बीवी से चाहते हो जाए तकरार या फिर गर्लफ्रेंड से पड़े मार, तो लेके जाओ सीधे ग्रैंड मस्ती, बाहर ऐसे निकलोगे। टेक टू। यहां पे एक ऐसी डरावनी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बहुत डरावना। ये ना बिल्कुल एक साइलेंट डरावनी फिल्म है, जस्ट इमेजिन, और फिर एक सबटाइटल आएगा डरो तो आप कुछ ऐसा करोगे। जया यार रागिनी MMS 2, अबे क्यों, व्हाई यू डूइंग इट, मतलब कुछ नहीं है। सनी लियोनी एक जगह ऐसा ऐसा करके कुछ अपने वस्त्र निकाल देती हैं, थोड़ी देर में शार में नजर आती हैं एक मर्द के साथ। What's new in that? And then finally, एक लड़की उनके कंधे पे सर रख के रो रही है and करके चिल्लाती That's all about it. रेंदे बोलता नहीं यार, मतलब there is nothing in this movie. बिल्कुल कुछ नहीं है। और क्यों रखूंगा हाथ, चल वेल इतनी डरावनी कि मेरा माइक भी गिर काट दे बस। टेक थ्री। यहां पे बिग बॉस के आदेश से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन करेगा आओ और कौन करेगा वाओ बिग बॉस सीजन 7 में। सलमान भाई पहुंचेंगे और वहां पे कुछ एक कंटेस्टेंट्स होंगे, जैसे बालिका वधू वाली प्रत्युषा बैनर्जी, उसमें तो बड़ी सीधी साधी आंसू पोछती बनती थी। देखते हैं रियल लाइफ में इस घर के अंदर क्या करती हैं, किसके आंसू निकलवाती हैं। एक और नाम पता लगाए और वो तो ट्विटर पे उनकी बहन ने अनाउंस भी कर दिया, आई एम गोना मिस यू गो हर खाना। सुनने में आया वो भी बिग बॉस के घर में जाएंगे और वो तो देखने में भी ऐसी लगती हैं जैसे दो चार को पकड़ के खा जाए। छोड़ना, क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब, है ना, अच्छी तो लगती है यार वो। हाँ, वो तो देखने में भी ऐसी लगती है ना कई बार, मेरा आशिक झल्ला झुल्ला, खतरनाक टाइप की। आई एम श्योर वो बहुत कुछ करने वाली है घर के अंदर। एंड देन एक अन्य नाम जो पता लगा है, दैट इज कि सल्लू भाई ने वो हेजल खींचनी है बॉडीगार्ड वाली, जी हाँ, उसमें वो जो एक लड़की इनको धोखा देती है वो भी शायद घर के अंदर आ जाए। एंड हेजल कीच के अलावा एली एब्राम, हाँ वो एक अंग्रेज टाइप की महिला और कुछ कुछ अतरंगी हरकतें करती दिख रही है मिक्की वायरस के सेट्स पे, वो मनीष पॉल के ऑपोजिट दिखाई देंगी, एंड वो भी सलमान की बड़ी अच्छी दोस्त है, सुना है बिग बॉस के घर में आएंगी। अब ऑल्सो पायल रोहतगी ने कुछ जुगाड़ लगाया है और वो संग्राम सिंह, वो जो पत्री इस टाइप के जो बॉडी बिल्डर उनके बॉयफ्रेंड हैं, वो भी घर के अंदर जा सकते हैं। एंड इफ दैट्स नॉट ऑल यार, एक नाम और पता लग गया है, एंड वो कौन था, कुशाल टंडन, उनका भी नाम आ रहा है यार इस सीरियल में, तो ये लोग बहुत ही
ऐसी हरकतें करते हैं। फिलहाल ये चैनल चलता रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए हाथ जोड़ के गुजारिश। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया। ऑल्सो राइट इन या कमेंट सेक्शन पे कि आप किसको देखना चाहते हैं बिग बॉस के घर में और क्या करते हुए। अभी के लिए दिस इज मी नितिन साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉलीवुड हैंगओवर। शुक्रिया। जानबूझ के क्या मैंने, चल ले थोड़ी घुस जाओगे यार, कुछ भी थोड़ी दिखाओगे। यू आर अ वुमन, एटलीस्ट थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। चलो अभी नहीं है वो, मैं बताऊंगा तुम्हें मंडे ट्यूसडे जब भी होगा मैं बताऊंगा। तुम अपना ऑर्डर सारे बाकी कैंसिल मत करो। चलो ढोल वाले हैं मेरे पीछे पड़े हैं कि सर कब आके बजाना है, मुझे बजा जाओ। गणपति को बुलाया था ना।